हम सारा सामान लोड करके गाड़ी चलाने लगे हैं और ये देखिए मैं किसी तरह ड्राइव कर रहा हूँ अभी हम अपने आओ पाइपिया वही खोल दे तो पीछे मुड़ पीछे पीछे दिखाएं क्या है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में सुबह सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी धूप थोड़ा थोड़ा निकल गया है और मैं अपने गोदाम से स्टार्ट कर रहा हूँ दुकान। ये देखिए हमारा गोदाम पे आज सामान लोड हो रहा है और आज पापा भी नहीं है गाड़ी ड्राइव करने के लिए, तो आज मैं पहली बार गाड़ी चलाऊंगा। मतलब थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, मतलब हैबिट नहीं पड़ा पूरा, और आज मैं किसी तरह थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाऊंगा। तो आज देखते हैं मतलब मैं चला पाता हूँ या नहीं। तो फर्स्ट पहले हम सारा सामान लोड हो जाने देते हैं। ये देखिए ये उपेंद्र भैया पाइप कुछ निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं। एक बच्चा उधर कुर्सी निकाल गया है। मतलब सारा सामान लोड हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद ही बाइक मतलब कार मतलब ये पिकअप वाला ड्राइव करके खुद ही लेके जाऊंगा और देखता हूँ मतलब चला सकता हूँ सही से या नहीं चला सकता हूँ। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा जानकारी था। मतलब दूर जाना है पास वाले गाँव में, थोड़ा मतलब यहाँ से पड़ता है 3-4 किलोमीटर, तो वहाँ पर मुझे लेके जाना है गाड़ी। तो अभी देखते हैं फटाफट सामान लोड होता है और उसके बाद निकलते हैं अपने राइड पर और फट मिलते हैं। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी ब्रश तक भी नहीं किया हूँ, मतलब फेस वॉश भी नहीं किया हूँ, मुंह पे पानी तक नहीं पड़ा हुआ है। और सुबह जैसे सो के उठा पापा का कॉल आता है जाओ फटाक से दुकान पे, तो मैं आ गया अपने दुकान पे। देखिए सामान लोड हो रहा है और मैं इस समय खड़ा हूँ धूप में, सामने हमारे धूप निकल गई अच्छे से। तो यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि ठंडा का मौसम है और धूप में खड़ा होना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मस्त हम खड़े हैं कुछ देर और सामान लोड हो जाएगा, उसके बाद निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आप सभी को मतलब कैसे क्या होता है गाड़ी में चलाऊंगा किसी तरह। तो ओके सामान लोड होने के बाद मिलते हैं आप सभी से। हम सारा सामान लोड करके गाड़ी चलाने लगे हैं और ये देखिए मैं किसी तरह ड्राइव कर रहा हूँ, अभी हम अपने मार्केट में हैं। देखिए तो भाई अभी सारा सामान लोड करके हम लोग निकल दिए हैं और देखिए मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ किसी तरह, मतलब चला लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी चल रहे हैं फटाफट और ऊपर बंदे लोग, दो बच्चे ऊपर बैठा, एक हमारे साथ ये भाई बैठे हुए हैं और चलते हैं। देखिए यहाँ पे टर्न आ गई, हम जा रहे हैं सीधा साइड पे पहुंचने के बाद ही अब वीडियो बनाएंगे, बिकॉज मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी चलाने में नजर नहीं भटकाएंगे। तो चलो सीधा सीधा मिलते हैं आप वहां पे जहां हमारा साइड लेके जाए। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ गांव में और ये देखिए अभी हम गांव में गाड़ी खड़ी कर दिए हैं। अभी वो आ रहे हैं जिसके यहाँ मतलब शादी है, मतलब कुछ भी है, मतलब वहीं पे सामान लगाना है, तो अभी वो आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, उनका घर मुझे पता नहीं है, तो अभी आएंगे तो फिर फटाफट चलते हैं उनके घर पे, वहीं पे लगवाएंगे। अभी देखिए सब बैठे हुए, अनु सब ऊपर बैठे हुए हैं, अनु इधर है, उपेंद्र ऊपर है। तो चलो फटाफट अभी उनका वेट करते हैं, आ जाने पे फिर चलते हैं। तो फाइनली गाइस घर मालिक आ गए हैं जो हमें रास्ता बताएंगे कि हमें कैसे जाना है, यहाँ से हमको मुड़ना है। तो चलो गाइस अभी रास्ता उनका क्लियर हो गया और सामने खड़ी गाड़ी को मुड़ के लाना, उनके मतलब द्वार पे खड़ा करना है। तो अभी चलो फटाफट चलते हैं गाड़ी में और बैठ के सीधा बैठ करके उनके घर पे लगा खड़ी थी अपनी बाइक। ओए नीचे आओ नीचे। फाइनली गाइस जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधा उनके घर पे चलते हैं। देखिए बहुत पतला सा गली है और किसी तरह चलते हैं उनके घर पे। आओ 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 वो ना डटो ना मेरी जाबो अरे कल आ ना तू यार ये हट और ये पकड़ चल चल देख टास्क कंप्लीट। तो गाइस अभी गाड़ी लेके आ गए हैं, देखिए गाइस अभी यहाँ पे सामान लग रहा है, देखिए लगा रहे हैं अन्नु और दो लोग मिलके और हम यहाँ पे खड़े हैं मस्त। ये रहा उनका गांव।
तो गाइस वहां से हम लोग सारा टेंट लगवा कर निकलते हैं अपने घर की तरफ और आ गए हैं पापा, हम हो गए हैं बाइक से और अभी पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सामने वाले फील्ड से, अभी गांव में चल रहा है, पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैं पीछे बाइक से हूं। तो अभी चलो सीधा चलते हैं दुकान पे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस वहां से सारा काम करा के हम लोग आ गए अपने गोदाम पे और पापा चले गए यहां पे गाड़ी खड़ा करके। तो अभी यहां पे हम लोगों का काम है, जितने सारे मतलब पर्दे बहुत सारे भीग गए थे बरसात के दिन में, तो सारे पर्दे को यहां पे फैलाना है। धूप बहुत तेज निकल गई है देखिए, तो यहाँ पे सारे पर्दे फैलाएंगे उसके बाद चलेंगे घर पे। तो अभी सारा पर्दा फैलवाते हैं इन सबसे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इतना हैवी गटर देख रहे हो, कितने लोग मिलके उठा रहे हैं, इतना वजन हो गई इसकी। वो देख, दो गट्ठल वहाँ पे पड़े हुए हैं, एक गट्ठल बाहर निकल गया। अभी वहाँ पे पर्दे फैलाए जा रहे हैं, देखिए सब मिलके पर्दे फैला रहे हैं और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा हूँ शांति से और ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा है बहुत ज्यादा तेज। तो गाइस अभी सारे जगह ढेर सारे पर्दे फैलाए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी कितने सारे पर्दे और जहाँ तहाँ तक नजर जाएगी सारे जगह इतने सारे पर्दे फैलाए हुए हैं। अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये देखिए गाइस, भाई साहब कितने सारे पर्दे, रंग बिरंगे लग रहे हैं, पूरे सारे सड़किया रंग बिरंगे लग रहे हैं गाइस। देखिए कितने सारे पर्दे फैलाए हुए हैं। पापा आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर पे, वो देखिए वहाँ पे पापा काम करा रहे हैं, मैं अपने बाइक से चल रहा हूँ घर पे और सीधा घर पे मिलेंगे आप सभी से, मंजन ब्रूस कर लें पहले उसके बाद। अभी मैं आ गया अपने घर पे, वो देखिए सामने टेंट लग रहा है, अमनीश भाई का शादी है और ये देखिए अमन भाई चल रहे हैं सब लोग जंगल में वन पूजने, और अभी मैं भी जाने जंगल में घूमने के लिए। देखिए चाचा चाय पानी पी के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो जी? घर पे जा रहे हैं चाचा जी। तो अभी चलो फटाफट हम भी चलते हैं जंगल में, चलेंगे। आदमी पूरे हैं? हाँ वैसे तो पूरे हैं। कितने लोग रहते हैं? पांच लोग हैं ना हम लोग, वन पूजने में पांच लोग लगते हैं। तो चलो फटाफट हम भी चलेंगे जंगल में घूमने गए। अभी हम चल रहे हैं जंगल के अंदर, हम लोग तीन जने हैं गाड़ी पे। देखिए अरे भाई साहब अभी तो फोन टूट जाता मेरा, मतलब पेड़ से लड़ जाता फोन टूट जाता। तो अभी जंगल में है, देख रहे हैं वहाँ पे बंदे लोग खड़े हुए हैं, देखिए एनिमी है क्या, एनिमी। फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बन पूजा जा रहा है, ये देखिए नाव ठाकुर, नाव कहाँ ठाकुर का बात एक ही है, और मैं भी आ गया हूँ। तो यहाँ पे पूजा जाएगा बन, शादी ब्याह के दिन एक दिन पहले बन पूजा जाता है हम लोगों में, ये हमारे हिंदू धर्म में ये संस्कार है। तो वो देखे छोटू बेटा, अरे आएंगे ना दादा हुरेंगे, यहाँ पे देखिए बन पूजा जा रहा है। तो भी सारा कार्यक्रम करके हम लोग चलेंगे घर पे, और क्यों भाई यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे, कितना मस्त लोकेशन है देखिए गाइस। वैसे नहाए तो है नहीं क्या, चलो फटाफट अब फोटो क्लिक करवाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं अब घर पे पहुंचने के बाद या फिर रास्ते में। ओके तो अभी फोटो क्लिक करना। अभी शिवा भाई जंगल में थे, पता नहीं था मुझे कहाँ पे हैं। देखिए पत्ते वगैरह लेके आ गए हैं, इसको सब लेके जाएंगे और फिर घर पे ना पीठ पे वो हल्दी की लेप लगाएंगे पीठों पे। चलो उठाओ उनको फटाफट और सब अब निकल रहे हैं घर की तरफ। ये देखिए ये क्या है रे, ये इसको सब लोगों को एक एक लेना पड़ता है, पता है वो जाके छत पे फेंक देते हैं, अभी पीठ पे तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पीठ पे वो हल्दी वाली लेप लगेगी इसे पांच पंजे वाली। ये देखिए शिवा भाई, भैया ये क्या होता है आप सबका? ये देखिए हमारे यहाँ का एक प्रथा है। हाँ भैया जरूरी होता है, सही भैया। अभी वो हल्दी वाला लेप लगाएंगे, आपको भी आपका कपड़ा खराब हो जाएगा पीछे पिट्ठू पे। हाँ चलो फटाफट निकलते हैं घर की तरफ। ये देखिए अपनी गाड़ी, वो अमन भाई का गाड़ी और वहाँ पे खड़ी हुई है शिवा भाई का गाड़ी। तो अभी चलो फटाफट चलते हैं घर की तरफ और फिर देखते हैं, और फिर मंजन ब्रूस भी मुझे। गाइस मैं तो यहाँ पे घूमने आया था, और देखिए भैया बोल रहे हैं अब तुम भी मतलब साथ में हो जाओ, अब बोल रहे हैं नाउट जी बोल रहे हैं आप समाज में आ गए तो साथ में ही माना जाएगा। मतलब मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं आऊंगा तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो मतलब चलिए कोई दिक्कत ना, कोई बस मैं आई एम लकी। ये नहीं दिखाओगे वो नहीं दिखाओगे क्या, एक बत्तमी जो गोबर है भैंसी का टट्टी। हम लोग ना जाते समय प्रसाद होता है, मतलब ये देसी गुड़ होता है, हाथ मेरे देखिए कितने कचड़े हो गए, इसको खाना पड़ता है। तो अभी चलो इसको खाते हैं फटाफट और सबको मिलेगा देखिए। ओ भाई साहब मेरा भी मैं खा रहा हूँ गुड़, और ये भी खा रहे हैं पहले हम बैठ जाओ, मंजन ब्रूस कुछ नहीं है, मैंने भी खा लिया मतलब गुड़ खा लिया। चलो चलो वो देखे, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और यहाँ जंगल देखिए यार कितना मस्त लग रहा है ना। चलो फटाफट चलते हैं घर की तरफ। हाँ बोल, एक बार पे चार लोग को चल गए, कहीं चालान हो गया बीच में तो। अरे चालान कौन करेगा, ये बाइक पे हम लोग चार जन जाएंगे बैठ के, देखिए कैसे चलते हैं आराम से। हम चार जन जा रहे हैं गाइस, बाइक 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 पे बैठ के, अमन भाई ड्राइव कर रहे हैं, देखिए हम जंगल के बीच में चल रहे हैं। चलो फटाफट चलते हैं घर पे, मिलते हैं सीधे आप। कॉपी राइट है,
हाय छोटू, अरे कम हाय करो। हाय गाइस, हम लोग आ गए इनके घर पे, देखिए मनीष के घर पे, और ये रहा अमन और ये रहा मेरा पति। तो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ आप सबको कुछ पता नहीं, मेरा ये पकड़ लो तुम, और मैं अभी आप सबको नजरें गड़ाए रखना, अभी देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। हेलो छोटा, क्या होगा क्या होगा भाई, पांच जन तो पांच सात जन मरवाओ, का मरवाओ के कर दिया, इधर देखिए इधर नीचे नारू ठाकुर के साथ मेरे को यही कर लेना इतना अच्छे से। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हल्दी का लेप लगाया जाएगा पीछों पे, माँ जी लेके आ गई हैं थाली पता नहीं कौन सा, अब ये मैं पत्तल इनको दिखाऊंगा और फिर हल्दी का लेप लग जाएगा हम लोगों के ऊपर। आपकी अग्नि जल तप हर चीज से देखिए हम लोगों का आरती उतारा जा रहा है। सबसे पहले छोड़ दे वही कपड़ा अर्पित को लगेगा, सबसे पहले ले बे लग अब रोया अर्पित, अब रोया अर्पित फर्स्ट लगने जा रहा है अमन को। पीछे मुड़, पीछे पीछे दिखाए क्या है, मैं तो दूल्हे से मिला ही नहीं। ये देखिए ये हैं दूल्हे जी और कितना बिजी हैं। हेलो हेलो मनीष भाई, हेलो सर, हेलो मनीष भाई। अरे भाई इनका भाव ही नहीं मिलेगा बिकॉज ये दूल्हे बनने वाले हैं ना इसलिए। तो भाई जब शाम हो गया है पूरा मैं बिल्कुल भी नहीं नहाया, मतलब इतना ज्यादा काम में बिजी था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, और इस समय मैं मनीष भाई के घर पे हूँ, और आज कैमरामैन नहीं आया तो कैमरामैन मैं अपने फोन से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मनीष के घर के, जितना सारे कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मनीष भाई के घर का कार्यक्रम हो रहा है, कल मुझे बारात जाना है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो बारात वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं जो बारात जाऊँगा उसमें बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाऊंगा, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके तो अभी मैं यहाँ पे मनीष भाई का सारा कार्यक्रम का वीडियो बनाता हूँ, तो अब शाम को ही सीधे मिलेंगे, अभी नहीं मिल पाएंगे, क्यों भैया। फाइनली गाइस अब हो गई है शाम, आप सब देख सकते हैं मतलब दिन पूरा ढल चुका है, और मैं हूँ अपने छत पे, ढेर सारे कपड़े फैलाए हुए थे ये हटवाने आए हैं, और मैं और अमन भाई आए हैं। इस समय मनीष के छत पे हूँ, मनीष का कल शादी है, देखिए इनका घर सजावट हो चुका है, यहाँ देखिए ढेर सारी लाइटें जल रही है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।